हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना। आज का टॉपिक है जीपीएलए। जीपीएलए ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला होता है जो हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की हिस्ट्री में लिखते हैं, जो हमें ब्रीफली इन अ नटशेल बता देता है उस लेडी की अभी तक की पूरी हिस्ट्री। तो इसको ऐसे लिखा जाता है GPLA। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो हम लोग मजाक में कहते थे कि घपला हो गया, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये घपला क्या है। तो जी होता है ग्रेविडा। अगर हम नॉर्मल हिंदी में बोले इसका मतलब गर्भवती। तो जी का मतलब होता है ग्रेविडा। जब हम किसी भी लेडी के फॉर्मूला में जी लिखते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, इंक्लूडिंग जो करंट प्रेगनेंसी लेकर वो हमारे पास आई है। दूसरा होता है पी। पी का मतलब होता है पैरिटी, मतलब 20 कंप्लीटेड वीक्स के बाद कितनी बार ये लेडी डिलीवर हो चुकी है। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई हो, चाहे सिजेरियन सेक्शन से हुई हो, चाहे एक बेबी डिलीवर हुआ हो, चाहे ट्विन्स या ट्रिपलेट्स डिलीवर हुए हो, डिलीवरी चाहे एक अलाइव जीवित बच्चे की हुई हो या बेबी डेड बॉर्न हुआ हो, आउटकम कुछ भी हो, पी का मतलब होता है कि 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद कितनी बार ये लेडी डिलीवर हो चुकी है। नेक्स्ट होता है एल। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, मतलब महिला के पास आज की तारीख में घर पर कितने जीवित बच्चे हैं। तो मान लीजिए किसी की दो बार पहले डिलीवरी हो चुकी है बट घर पे अगर केवल एक ही जीवित बच्चा है तो वो कहलाएगा L1। नेक्स्ट होता है A, यानी एबॉर्शंस, मतलब 20 हफ्ते प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के पहले कितनी बार प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, चाहे स्पॉन्टेनियसली खुद हो गया हो या किसी ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया हो। तो A का मतलब होता है एबॉर्शन। अब ये ध्यान रखिएगा कि दो यूनिक कंडीशंस हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी, जो नॉर्मली ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी या शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग करके यूजुअली प्रेजेंट कर जाते हैं और वो हम उसी समय उनको हम ट्रीट कर देते हैं। तो एबॉर्शंस जब हम लिखते हैं तो एक्चुअली जो एक्टोपिक और मोलर है हमें इन्हीं में कभी काउंट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो 20 वीक्स के पहले ही मैनेज हो जाते हैं, बट वो एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। बट अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेविडा, पैरा, लिविंग एंड अबॉर्शंस। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का जो जी होता है वो हमेशा पी प्लस ए प्लस वन होता है, मतलब कितनी बार वो इसके पहले डिलीवर हो चुकी है, कितना इसके पहले अबॉर्शन हो चुका है, और उसमें जब हम वन जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है उस लेडी की करंट की प्रेगनेंसी जी। दूसरा, जब तक महिला प्रेग्नेंट है तभी तक जी लिखा जाएगा। जैसे ही वो डिलीवर हो जाते हैं तो वो जी हट जाता है और पी बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए एबॉर्शन हो जाता है तो जी हट के एबॉर्शन में एक नंबर बढ़ जाता है। GPLA में स्टिलबर्थ या नियोनेटल डेथ कैप्चर नहीं हो पाती है, सिर्फ नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन ही हो पाता है। स्टिलबर्थ और नियोनेटल डेथ की डिटेल्स को हमें डिटेल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में लिखना चाहिए, जो मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर वन, कोई लेडी जिसकी 2 साल की मैरिटल लाइफ है और पहली बार प्रेग्नेंट होके आई है, इसके पहले कोई भी अबॉर्शंस या डिलीवरी की हिस्ट्री नहीं है, उनका ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? ऐसी लेडीज को हम नॉर्मली बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा, दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो उनका फॉर्मूला लिखा जाता है G1, क्योंकि ये पहली प्रेगनेंसी है, और P0, L0 और A0। ओके, ना इसके पहले डिलीवर हुए हैं ना इसके पहले अबॉर्शन हुआ है, और हम लिखते हैं दिस इज अ प्राइमरी ग्रेविडा और अ G1, P0, L0, A0। एग्जाम्पल नंबर टू,
हमारे पास कोई लेडी आई है जो कि सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, इसके पहले उनका 2.5 महीने का स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया था, तो अब इन लेडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द फॉर्मूला विल बी G2A1, क्योंकि ये इस बार उनकी दूसरी प्रेगनेंसी है और इसके पहले उनका एक एबॉर्शन हो चुका है 2.5 महीने का। एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास कोई लेडी आती है जो ये बताती है कि इस बार उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, 4 साल पहले उनके सिजेरियन सेक्शन से ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, जो 2.5 किलो वाला बच्चा पैदा हुआ था वो आज की तारीख में बिल्कुल हेल्दी है, और जो 1.5 किलो का बेबी पैदा हुआ था वो 10 दिन NICU में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। इन 4 सालों में उनका कोई भी एबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, तो इन लेडी का ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला क्या होगा? इनका ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला हो जाएगा G2, क्योंकि इस बार दूसरी प्रेगनेंसी है, P1, क्योंकि इसके पहले उनका एक सिजेरियन सेक्शन हो चुका है करीब 4-4.5 साल पहले, L1, क्योंकि बच्चे तो जरूर ट्विंस पैदा हुए थे लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक ही अलाइव है उनके पास, एंड A0, क्योंकि एबॉर्शंस की कोई भी हिस्ट्री वो हमें नहीं दे रही है। अब मान लीजिए इनकी डिलीवरी हो जाती है और इस बार फिर किसी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम सिजेरियन कर देते हैं, अब 15 दिन के बाद वो हमारे पास फॉलो अप विजिट के लिए आई हैं, तो जब वो हमारे पास फॉलो अप विजिट के लिए आएंगे और हम उनका ओपीडी का पेपर बना रहे होंगे तो हम उस पर क्या लिखेंगे? क्या जी आएगा? जी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो डिलीवर हो चुकी है। अब इनका पी कितना हो जाएगा? एक पहले सिजेरियन जो 4-4.5 साल पहले हुआ था और अब की बार ये दूसरी बार डिलीवर हो गई, तो अब इनका पी बढ़ के हो जाएगा 2। इनका एल कितना हो जाएगा? एक बच्चा जो पहली डिलीवरी से उनके पास है और एक जो इस बार इनको हेल्दी बेबी मिला है, तो ये हो जाएगा L2, और एक हो उनके पास एबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है तो ये हो गया A0। तो अब जब वो 15 दिन बाद आएंगे डिलीवरी की फॉलो अप के लिए तो हम लिखेंगे P2L2A0। ओके, मान लीजिए हमारे पास, हम किसी ओपीडी में काम कर रहे हैं और एक लेडी हमारे पास आई, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि मैं आपको फॉर्मूला देती हूं, अब आप बताइए कि ये क्या हो सकता था। मैंने फॉर्मूला लिखा है ग्रेविडा 4 पैरा 2 लिविंग 0 A1। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लेडी इस बार चौथी बार प्रेग्नेंट है, इनकी इसके पहले 2 बार डिलीवरी हो चुकी है, पर इनके पास घर पे एक भी जीवित बच्चा नहीं है, एक इनका एबॉर्शन भी हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि इनके 3-3 बार पहले भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद इनके पास कोई भी बेबी नहीं है। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो 2 डिलीवरीज हुई इनमें क्या हुआ, क्या बच्चे स्टिलबर्थ पैदा हो गए, या बच्चे पैदा होने के बाद किसी न्योनेटल कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ हो गई, या बच्चे प्रीटर्म पैदा हो गए और उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो जब हम एक ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला लिखते हैं तो उसी समय हमें हाई रिस्क पता चलना शुरू हो जाता है। ग्रेविडा 4 एंड अबव की जो लेडीज होती हैं, हम उन्हें वैसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जी बढ़ता जाता है वैसे वैसे मदर को रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लेडी आई जिसका फॉर्मूला हमने लिखा ग्रेविडा 2 पैरा 1 L2A0। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, इनकी एक बार पहले डिलीवरी हो चुकी है और इनके पास 2 जीवित बच्चे हैं, इसका मतलब शायद उनके पहले ट्विंस हुए थे और वो दोनों इस समय ठीक हैं और एबॉर्शंस कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी हायर सेंटर पे काम कर रहे होते हैं और मान लीजिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं और हमारे पास सब सेंटर से एक लेडी आ गई जो वहां पे डिलीवर हुई और अब उनको रिटेन प्लेसेंटा हो गया है और वहां से हमारे पास रेफर आ गई है फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो जब हम इनकी केशीट बनाते हैं तो हम मान लीजिए इनका ये पहला बच्चा रहा होगा, तो अब हम इनकी केशीट में फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अब ये ग्रेविड तो है नहीं, ये डिलीवर हो चुकी है, पहला बेबी डिलीवर हुआ है और बच्चा अगर बिल्कुल ठीक है
तो अब हम लिखते हैं पैरा वन लिविंग वन ए जीरो विथ रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो हमें ये पता चलता है कि अभी इनकी एक डिलीवरी हुई है जो कि पहली डिलीवरी थी और इनको प्लेसेंटा रिटेन हो गया। तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इन लेडी की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, लेकिन जो डिटेल्ड हिस्ट्री है वो हमें पूरी की पूरी लिखनी पड़ती है एक स्टोरी फॉर्म में। ये तो सिर्फ फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है जिनको जो एग्जाम गोइंग है और आप एग्जाम में केस प्रेजेंट कर रहे हो, या आप कोई केस मैनेज कर रहे हो अपने हॉस्पिटल में और आप केस शीट में एंट्री कर रहे हैं, तो हमें काफी सारी डिटेल्स भी लिखनी पड़ती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कि हमें एक प्रॉपर जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री वाला पार्ट है पूरे केस शीट में वो किस तरह लिखना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली OH लिखते हैं। हमने इसके पहले लेडी की हमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लिखनी होती है जो हमने LMP EDD वाले वीडियो में डिस्कस की थी। हम यहां पे सबसे पहले शुरू करते हैं लिखना मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ या मैरिटल लाइफ। कितने साल से वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं? जैसे कुछ ऐसे हमारे कल्चरल कम्युनिटीज होती हैं जिसमें शादी हो जाती है लेकिन जिनको वो कहते हैं गौना, वो लेट होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये लेडी अपने हस्बैंड के साथ रेगुलरली कब से रह रही है। वो हमारे लिए उनके अगर कोई फर्टिलिटी इश्यूज है या कुछ कॉन्ट्रासेप्शन में हमें उन्हें एडवाइस करना है या और भी कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में एफर्ट है तो वो यहां से मिल जाएगा। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास कोई लेडी आई जिनकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मैरिटल लाइफ है 6 years और हमने हिस्ट्री लिखा ग्रेविडा 3 पैरा 2 लिविंग 1 एंड ए 0। ओके, ये हमने फॉर्मूला लिखा G3 P2 L1 A0। अब हमें ये देखना है कि 2 प्लस ए पी प्लस ए प्लस 1 हमारा जी होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट, पैरा 2 है ए 0 है प्लस 1, तो ये हमारी इस समय की करंट प्रेगनेंसी है। अब हम इनकी डिटेल लिखना शुरू करते हैं अपनी केस शीट में। ओके, तो हम ये लिखते हैं फर्स्ट फीमेल चाइल्ड। ओके, अब हमने सबसे पहले बच्चे, क्योंकि थर्ड प्रेगनेंसी है, हमने सबसे पहले बच्चे की डिलीवरी की डिटेल्स लिखनी शुरू की। फर्स्ट फीमेल चाइल्ड FTND मतलब फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी, ये हमें ये बताता है कि बच्चा टर्म पैदा हुआ था या प्री टर्म पैदा हुआ था, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रेगनेंसी में रिपीटेडली होती हैं। FTND डिलीवर्ड 5 years back। ओके, 5 years back। उसके बाद हम लिखते हैं अगर एपिजियोटमी दी होती तो हम यहां पे लिखते हैं FTND विथ एपिजियोटमी। फिर हम लिखते हैं कि ये बेबी कहां हुआ था, तो मान लीजिए हमने लिखा डिलीवर्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद हमने लिखा क्राइड वेल। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना होता है कि बच्चे को कोई इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गए थे। फिर हम लिखते हैं बच्चे का बर्थ वेट कितना है, तो हमने लिख दिया कि बर्थ वेट वॉज 2.750 kg, जो भी मदर हमें बता पाए। फिर अब बच्चा 5 years का हो गया तो हम लिखते हैं whether the baby is immunized for age or not, तो हम लिखते हैं immunized for age, जो कि हमें ये बताता है कि ये बच्ची जो आज से 5 साल पहले फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी एक गवर्नमेंट सेटअप में हुई थी, बर्थ वेट उनका 2.75 kg था, बेबी अच्छे से रोई थी, आज की तारीख में शी इज वेल इम्यूनाइज्ड फॉर एज एंड शी इज हेल्दी। हम लिखते हैं अलाइव एंड हेल्दी। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं नो हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। मदर में हम लिखते हैं कि देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। और फिर हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ PPH प्लस, हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज प्लस। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मदर को जब 5 साल पहले फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसके बाद PPH हो गया था। हम प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमेशा डिटेल में इसलिए लिखते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो रिपीटेड हो सकती हैं। अब हमने लिखा सेकेंड। ओके, सेकेंड फीमेल चाइल्ड। फिर हमने लिखा LSCS,
लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ था, कब हुआ था? 3 years back. अब जब हमने LSCS लिखा तो हमेशा हमें केस शीट में लिखना पड़ता है इंडिकेशन क्या था. तो हमने लिखा इंडिकेशन फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा बेबी एक्सपायर्ड आफ्टर 3 days इन NICU. ओके, 3 दिन बाद बच्चा पैदा होने के, तब हम 3 साल पहले हमने डिलीवरी कराई थी, सिजेरियन सेक्शन से कराई थी. इंडिकेशन ये था कि बच्चे डिस्ट्रेस में थी, 3 दिन बाद NICU में इसकी डेथ हो गई. बर्थ वेट हमने लिखा कि बर्थ वेट वॉज 2.6 kgs. ओके, तो ये जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो L1 है ये क्यों है, क्या बच्चा स्टिल बर्थ हुआ या पैदा होने के बाद डेथ हो गई. प्लस हमें ये भी पता चल गया कि जिस लेडी को आज हम मैनेज कर रहे हैं वो एक्चुअली केस है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की. पहला नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, दूसरा सिजेरियन हुआ था, अब ये हमारे पास 3rd delivery लेकर आई है. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हर प्रेगनेंसी की डिटेल में टेटनस इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री जरूर लिखिए, और प्रीवियस प्रेगनेंसीज में बच्चों में कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं थी ये जरूर कंफर्म करके लिखिए. तो ये इम्पोर्टेंस होती है जब भी हम एक डिटेल्ड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं अपनी केस शीट में. अगर आप एग्जाम गोइंग स्टूडेंट हैं तो हर प्रीवियस केस की डिटेल्स हमेशा लिखिए. अगर मान लीजिए हमारे पास कोई केस था जिसमें हम इसको बढ़ा के फॉर एग्जाम्पल G4 कर देते हैं और ये A1 हो जाता है, तो मैं इसी एग्जाम्पल में एड कर देती हूँ कि हम एबॉर्शन की हिस्ट्री ऐसे लिखते हैं. तो हमने लिखा स्पॉन्टेनियस, 3rd was स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. ओके, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ऑफ अबाउट 2 months. अब हमें ये लिखना होता है कि जब ये एबॉर्शन हुआ तो क्या ये मेडिकली मैनेज हो गया या हमें कुछ इंटरवेंशन करना पड़ा. तो हो सकता है आपको पेशेंट बताए, तो हमने लिखा सक्शन इवैक्यूएशन डन, कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, उसके बाद डॉक्टर ने उसको सक्शन इवैक्यूएशन करके हम पूरा प्रोडक्ट को एक्सपेल करवाया. तो जब भी हम ये डिटेल्ड में पहले फॉर्मूला लिखते हैं और जब हम इस पूरी हिस्ट्री को डिटेल में लिख देते हैं तो हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि जो जिन क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, और अब ये हम कब हुआ है वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1.5 years back. सो नाउ वी नो दैट वी आर डीलिंग विद अ ग्रेविडा 4 जो इसके पहले 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है. 5 साल पहले जो बेबी था वो हमारे पास ठीक है बिल्कुल. सेकेंड बेबी जब हुआ वो सिजेरियन सेक्शन से हुआ और उसके बाद उनकी न्यूनेटल डेथ हो गई. और 3rd वाला जो है वो करीब 2 महीने की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हो गया है 1.5 साल पहले, और उस एबॉर्शन के बाद सक्शन इवैक्यूएशन हुआ है, और जो 4th है वो हमारी करंट प्रेगनेंसी है. तो जब इस तरह से हम और फिर हमें करंट प्रेगनेंसी की पूरी डिटेल्स लिखनी होती है जिसमें मैं नहीं जा रही हूं. तो जब हम इस तरीके से एक डिटेल्ड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं तो हमें डायग्नोसिस में बहुत हेल्प हो जाती है. एक अच्छी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बिना कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री के इनकम्प्लीट होती है. तो जब भी हम ये डिटेल्स लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा था, फिर 3 साल पहले हुआ, तो बीच में वो क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही थी, वो डिटेल्स भी हम निकलवा के इस हिस्ट्री में मेंशन कर लेते हैं. तो ये जो वीडियो है ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक बार हमें GPLA समझा दीजिए. तो ये एक ब्रीफ सा वीडियो हमने आपके इस हेल्प के लिए बनाया है. आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्न OBGYN विद डॉक्टर वंदना एंड टच द बेल आइकन. आगे हम डिस्कस करने वाले हैं PV और पेल्विक एग्जामिनेशन. टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी. बाय. टू गेट मोर अपडेट्स subscribe to our channel and hit the bell icon.